हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईओसी के शेयर की न्यूज के बारे में दोस्तों। और आईओसी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट दोस्तों अनाउंस हो चुका है, तो अब आगे चलते हैं क्या टारगेट प्राइस होंगे और अभी अभी क्या ट्रेड लिया जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और कल के टारगेट क्या होंगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आईओसी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़े दोस्तों और उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट करें। चलिए दोस्तों हम लोग आगे मूव कर रहे हैं आईओसी के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों अभी अभी जस्ट क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आईओसी ने कहीं ना कहीं आप समझिए कि 52 वीक हाई जो था 109 रुपए पे, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में बना वहीं पे खड़ा हुआ है शेयर, और 52 वीक लो 71.35 से अप मूव किया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि आईओसी के क्या आउटकम्स रहे। सबसे पहले दोस्तों फाइनल डिविडेंड आईओसी ने अनाउंस किया है 1.50 रुपए पर शेयर, तो 1.5 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है जो कि लगभग 1% के आसपास है। तो 1.5 रुपए का डिविडेंड भी यहाँ से एक बढ़िया डिविडेंड अनाउंस किया है। साथ ही दोस्तों फाइनल डिविडेंड इज इन एडिशन टू द इंटरिम डिविडेंड 10.5 रुपए पर शेयर का इन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो 10.5 रुपए का एक बढ़िया डिविडेंड यहाँ से कह सकते हैं कि 10% के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है आईओसी ने। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं तो रिजल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां पे फोकस करेंगे। तो बहुत बड़ा डिविडेंड दोस्तों इन्होंने पुट अप किया यहाँ पे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर्स के क्वार्टर से टोटल इनकम क्या रही। तो टोटल इनकम जो है वो उसमें जंप देखने को मिला है, लगभग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ से 10-15% का जंप देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर से। वहीं ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग कह सकते हैं 17% के आसपास का जंप ईयर ऑन ईयर इनकम में भी नजर आता है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी काफी हुए हैं, और ये दोस्तों फिगर्स करोड़ में दिए हुए हैं। तो 153756 के एक्सपेंसेस हुए हैं। तो यहाँ से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस निकल के आ रहा है वो 10,951 करोड़ के आसपास आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर से देखें तो वहां से लगभग कह सकते हैं कि 20-25% से ज्यादा का जंप, 30% के आसपास का जंप है। वहीं लास्ट ईयर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो है लॉस में कंपनी थी, तो वहां से अब प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। साथ ही दोस्तों अगर हम एक्सेप्शनल आइटम और जोड़ लें तो एक्सेप्शनल आइटम अगर हम देखते हैं तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से जो लास्ट ईयर था वहां से लगभग प्रॉफिट था, यहां से जो लॉस हो गया था वो लगभग 13610 जो कि इस बार प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है। टैक्सेस अगर हम हटाएं तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें जो नजर आता है वो यहां से नजर आ रहा है दोस्तों, यस नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड नजर आता है 8781 का प्रॉफिट नजर आता है, जो कि लास्ट क्वार्टर से और ईयर ऑन ईयर दोनों से भी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। वहीं पे आगे दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अर्निंग पर शेयर पे, तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए काफी ज्यादा जंप देखने को मिला, 5.65 से लास्ट ईयर से भी जंप हो गया। तो लगभग कह सकते हैं 50-60% प्रॉफिट में आ चुकी कंपनी, और टोटल एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव। तो हर एक पैरामीटर पे एक बढ़िया रिजल्ट है। तो अगर हम इसमें अब टारगेट क्या होने चाहिए, तो लगभग 120 रुपए तक के आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस रिजल्ट की। उम्मीद है आपको पसंद आई, तो टेलीग्राम ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए।